नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बड़ी खबर यहां पे आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक उन्हें ओबीसी को मिल रहे सभी लाभ मिलेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों में अतिक्रमण होगा तथा इससे महाराष्ट्र में अशांति फैल सकती है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज अरंगे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी मांगे मान लिए जाने के बाद शनिवार को अपना अनिश्चितकालीन उपवास खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को प्राप्त सभी लाभ मिलेंगे। राणे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह राज्य सरकार के फैसले को तथा आरक्षण के संबंध में मराठा समुदाय को उसके द्वारा दिए गए आश्वासन को मंजूर नहीं करते। उन्होंने कहा इससे ऐतिहासिक विरासत वाले मराठा समुदाय का दमन होगा और यह अन्य पिछड़े समुदायों में भी अतिक्रमण होगा। उन्होंने कहा इससे राज्य में अशांति फैलेगी। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को भी इस मुद्दे पर बोलेंगे और यहाँ पर सोमवार को भी वो बोलते हुए नजर यहाँ पर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कल के अध्यादेश से मराठा समुदाय के अधिकार उन्हें आसानी से मिल गए हैं। पंजीकृत मराठा समुदाय के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना कानूनी था, ऐसा करते समय उन्हें 100% सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इस पर कुछ नेताओं की व्यक्तिगत भूमिका अलग हो सकती है, वास्तव में किया गया है यह उनके ध्यान में लाया जाएगा। सरकार ने एक निर्णय लिया जिससे मराठा समुदाय को लाभ हो रहा है लेकिन किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इसमें किसी को चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ओबीसी समुदाय के साथ कोई अन्याय यहां पर नहीं होने देगी। हाल ही में मराठा समुदाय में को दिए गए आरक्षण को हाई कोर्ट में बरकरार रखा गया था, हालांकि कुछ कारणों से सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमने इन कारणों को निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण भी शुरू किया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है तथा अन्य पिछड़े वर्ग में पिछड़े दरवाजों से मराठाओं को प्रवेश पर सवाल भी उन्होंने उठाए। यानी मराठा आंदोलन में कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी है उसके ऊपर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में तो हमने टूट फूट की राजनीति देखी, लेकिन क्या बिहार से बीजेपी मजबूत होने के बाद क्या महाराष्ट्र में वहां खुद टूटती हुई नजर आएगी? लगातार संचय इस पर बना हुआ है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।